नमस्कार, मैं हूं कुमार अंशु और आप देख रहे हैं रूरल ब्लॉग। दोस्तों, आज हम लोग ऐसे गांव में चलेंगे जहां पर सखी मंडल की दीदियां समूह से समृद्धि की ओर जा रही है और हम आप सभी को उस जगह पे घुमा रहे हैं और वहां का जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है वो आप तक जो है पहुंचा रहे हैं। झारखंड राज्य के साहेबगंज जिले से दक्षिण दिशा की ओर 50 किलोमीटर की दूरी पर उधवा प्रखंड है। वहां से 14 किलोमीटर दक्षिण की ओर आतापुर क्लस्टर आतापुर पंचायत है। यहां झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के सौजन्य से सखी मंडल का गठन किया गया है, जो यहां सखी मंडल की दीदियां समूह से समृद्धि की ओर बढ़ रही है। सखी मंडल की दीदियां समूह से छोटे बड़े ऋण लेकर अपने कृषि जैसे धान सब्जियां में कद्दू नैनुआ करेली गेहूं इत्यादि उपजाकर अपनी आजीविका को अच्छी तरह से बढ़ा रही है, अच्छी खासी आय कर रही है और अपने परिवार की आजीविका अच्छी तरह से चला पा रही है। मेरे द्वारा सभी दीदियों का नई तरीके से खेती का गुर सिखाया जा रहा है। खेती पारंपरिक तरीके से होता था जो कि उतना अच्छा नहीं होता था, लेकिन आजकल हम एकम दीदी के माध्यम से जो हम लोग को बताती है उसी तरह से करते हैं और हम लोग का फसल भी अच्छा हो रहा है। इसमें हम लोग जो भी फसल होता है सुबह निकाल के गांव में मंडी लगता है, वहीं मंडी में ले जाके बेच देते हैं। थोक में हम लोग का पैसा भी आ जाता है जो हम लोग का मुनाफा भी अच्छा होता है और सब दीदी हम लोग जो भी फसल उपजाते हैं इसमें अच्छा मुनाफा आता है और खेती ठीक से होता है। और आतापुर गांव में हमारे एकम दीदी वंदना कुमारी और सखी मंडल के दीदियों के द्वारा यहां पे विभिन्न आधुनिक तरीके से फसल विभिन्न प्रकार के फसल का वो उपजाऊ हो रहा है। उसके अलावा हम लोग धान की खेती भी हो रहा है और ये संभव हो पाया है। हमारे हम लोग यहाँ प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं, मोबिलाइज करके हम लोग देख रहे हैं किस चीज़ का काफ़ी इन लोगों का जीवन शैली पे असर हुआ है और अपनी आजीविका को ये फसल के माध्यम से अपने बढ़ा रहे हैं। हमारे समूह के सभी दीदियों ने समूह के माध्यम से छोटे बड़े ऋण लेकर विभिन्न तरीकों से आजीविका को बढ़ा रहे हैं।